नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में चित्तौरा ब्लॉक के ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी ने आवास योजना की एक लाभार्थी महिला को बकरी पालन योजना का झांसा देकर मुख्यमंत्री वर्चुअल संवाद में झूठ बोलने को विवश कर दिया। आपको बता दें, बहराइच में मुख्यमंत्री वर्चुअल संवाद का कार्यक्रम रंगमंच के किसी नाटक की तरह हो गया है। संवाद के लिए चुने गए लाभार्थी को कड़ी रिहर्सल से तैयार किया जाता है, जिसके बाद सीएम के सामने लाभार्थी किसी मंजे हुए कलाकार की तरह एक ही सांस में तमाम योजनाओं को गिना देते हैं। इसमें ऐसी योजना भी शामिल हो जाती है जो वर्तमान समय में संचालित ही नहीं है। अधिकारी अपनी वाहवाही लूटने के जुनून में एक सीधे साधे अशिक्षित लाभार्थी को योजना के जाल में ऐसा फंसा देते हैं कि उसे पता ही नहीं चलता कि वो उस योजना का वास्तविक लाभार्थी है भी या नहीं। आपको बता दें कि बीती 31 मई को चित्तौरा ब्लॉक के अमीनपुर नगरौर की रहने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना की लाभार्थी गुड़िया देवी से मुख्यमंत्री ने वर्चुअल संवाद किया था। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाभार्थी गुड़िया से पूछा था कि उसे आवास के अलावा और किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जवाब में गुड़िया देवी ने मुख्यमंत्री को बताया कि उसे बकरी पालन योजना से लेकर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित कई योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि गुड़िया के पास न तो खुद की बकरियां हैं और न ही उसे पशुपालन विभाग से किसी भी तरह का आर्थिक योग मिला है। अलवक्ता उसे मनरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायत की तरफ से छोटा सा गोट सेट बनवाने का आश्वासन जरूर दिया गया था, जो कि अभी भी अधूरा पड़ा है। गुड़िया प्रदेश की पहली लाभार्थी है जिसके पास खुद की बकरियां ना होने के बाद भी बकरी पालन योजना की लाभार्थी बन गई है और इस झूठी उपलब्धि को सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने गर्व से बताती है। अपनी प्रशंसा के भूखे स्थानीय ग्राम विकास अधिकारी ने एक भोली भाली महिला व ब्रेन वॉश कर मुख्यमंत्री के सामने कितनी निर्विकता और बेशर्मी से झूठ बोलने को विवश कर दिया। गुड़िया देवी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता अशफाक अहमद के साथ इस खास रिपोर्ट में। मौजूद हैं गुड़िया देवी जी के मकान पे। ये वही गुड़िया जी हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री से अभी बीते दिनों संवाद किया था। आवास योजना की लाभार्थी हैं और मुख्यमंत्री जी से वार्तालाप के दौरान इन्होंने बताया था कि इनको बकरी पालन योजना का भी लाभ मिल रहा है। तो आइए हम जानते हैं उन्हीं से कि उनको बकरी पालन किस योजना के तहत मिल रहा है और क्या लाभ मिल रहा है। गुड़े जी, बताइए कि ये बकरी पालन की योजना आपको। हाँ साहब, हमें गुड़िया जी बोली थे और बकरी पालन का योजना में हमको कुछ नहीं मिला है, बना के छोड़ दिया गया है, अभी बना भी नहीं है और बकरी हमारे पास चक्को नहीं है। जो बकरी हम पालन ना दिया वही बकरी हमें कुछ योजना मिला नहीं है। तो बना हुआ है, बना नहीं है, बन के तो कहीं छोड़ दिए नहीं है। अब बकरी पालन हमारे बकरी के लाभ हमें कहाँ मिला है। पशुपालन विभाग की तरफ से आपको कितनी बकरियाँ दी गई हैं बकरी पालन? कुछ नहीं दी गई हमारे पास, अधिया लिया वही बकरी है, हमें मिला कहाँ है। फिर किसने आपको कहा कि आप बकरी पालन योजना का नाम लीजिए मुख्यमंत्री के सामने? अरे हटाओ रहन देना, प्रधान जी ने कहा तो हम पाले न, लेकिन बकरी पाले, 7 बकरियाँ हैं। जिले के प्रशासनिक अधिकारी, तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे, किसी ने आपके इस बकरी पालन को देखा? देखने हाँ, बकरी हैं, वही बताए, इनके 7 बकरी हैं, अधिया पाले हम। बकरी के घर हमारे बनवा दिए जाए साहेब, बना नहीं है बकरी, घर हमारे नहीं बड़ी ऐसे। हमें बकरी पालन का कोई लाभ नहीं मिला है अभी, और बकरी दिला दीजिए, पालन घर बनवा दीजिए बकरी का। मुख्यमंत्री जी से मैं हाथ जोड़ के विनती मांगती हूँ, हमारे गरीबों का मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो पीछे आपके ये बना है, हाँ, ये किस लिए बनाया गया? बकरी पालन के लिए बनाया गया है जी जी। तो बाद में कहते बनवे, अभी बनबो नहीं कहीं से, आज 8 दिन है हुआ जी। किससे बात हुई, क्या आश्वासन आपको विभाग के लोगों ने कोई आश्वासन दिया आपको? हाँ सब सिक्योरिटी सभी बताए गए हैं कि तुम्हारा सब पूरा लगवा दे, कोई देख ही नहीं आवत है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।